आपून है, बीएलओ पर वोट नहीं डलवाने के आरोप लगे हैं, थाना अधिकारी पर मिर्ची का स्प्रे चलाने के भी आरोप लग रहे हैं। हंगामे में कई मतदाताओं को चोटें आई हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और आपको बता दें कि वोटिंग की हर अपडेट सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो दर्शक इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान को देख रहे हैं, और इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आ रही है टोंक के इलाके से, वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टोंक के उनियारा में मतदान के दौरान हंगामा होने की खबर मिली है। मतदान केंद्र की संख्या 197 पर स्थिति तनावपूर्ण है, बीएलओ पर वोट नहीं डलवाने के आरोप यहां पर लग रहे हैं, थाना अधिकारी पर मिर्ची स्प्रे करने के आरोप लगे हैं। हंगामे में कई मतदाताओं को चोटें आने की भी खबर मिल रही है, दो मतदाता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं मतदान को बाधित करने के। बैंसला और मुकाबला यहां पर कड़ा है, उनियारा सीट पर लगातार उनियारा सीट चर्चाओं में रही। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, करीबन एक घंटे का वक्त अभी और बचा हुआ है, 6 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन 6 बजे तक जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे वो वोट डालेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर। और सबसे पहले सबसे तेज इन तस्वीरों के साथ देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर मतदान को लेकर के ये महाकवरेज। ज्यादा जानकारी के साथ टोंक से हमारे सहयोगी दौलत पारिक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दौलत, क्या अपडेट है, कुछ हंगामा यहाँ पर हुआ उनियारा में? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, इस हंगामे के बाद में इस मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए एसपी राजश्री राज वर्मा है वो उनियारा पहुंचे हैं। हालांकि अब स्थिति सामान्य है, लेकिन मतदान केंद्र 197 जो स्थिति वहां पर तनावपूर्ण एक बार बन गई थी। बीएलओ पर वोट नहीं दिलाने का गंभीर आरोप लोगों ने लगाया है, क्योंकि प्रदेश भर में देखें या टोंक जिले में कई ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं होने और या फिर वो वहां पहुंचने के बाद किसी कारण से वोट नहीं देने के आरोप है, वो बीएलओ पर कई जगहों पर लगे, उनियारा की ये बात है। दूसरे की बात करें तो नया गांव में एक या वोटर पर वोटर के निशान पे कोई अंगुली पे निशान लगा था। बिल्कुल दौलत, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक और बड़ी खबर मिल रही है, बीएलओ पर यहां पर वोट नहीं डलवाने के आरोप लगे हैं। दौलत बता रहे थे कि किस तरीके से यहां पर हंगामा बरपा, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम लगातार देखने को